हेलो दोस्तों, डॉग्स नेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि उनके घर वाले एग्री नहीं होते या फिर फैमिली मेंबर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई डॉग नहीं आएगा या फिर कोई और पैट नहीं आएगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को भी फेस करनी पड़ी थी घर में। मेरे भी घर वाले एग्री नहीं हो रहे थे स्टार्टिंग में डॉग लाने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ट्राई कर सकते हो एक बारी, अगर आपके घर वाले अलाउ कर दें। सबसे पहले दो केस निकल के आते हैं जिसके चलते आपके घर वाले मना करते हैं। या तो आपके घर वालों को डर लगता है डॉग से, उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि आपके घर वाले मना ही करेंगे हर एक चीज़ के लिए। या फिर दूसरा केस में ये चीज़ होती है कि आपके घर वालों को पसंद है लेकिन वो इतना टाइम नहीं दे सकते, या फिर उनका टूर का काम ज़्यादा होता है, या फिर वो बाहर निकलते रहते हैं, घर में नहीं रह सकते, या फिर अपने डॉग की इतनी केयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग इनिशिएटिव ले सकते हो। आप लोग बोल सकते हो कि हाँ, हम अपने डॉग की प्रॉपर केयर करेंगे। और प्रॉपर केयर का मतलब होता है प्रॉपर केयर। आपको उसका शुशु पोटी की हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी ग्रूमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप बड़ी डॉग ब्रीड लेते हो तो आपको उसकी एक्सरसाइज का ध्यान देना पड़ेगा कि आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो। अगर आप लोग स्टार्टिंग में आप अपने दोस्त के किसी दोस्त का डॉग भी ला के रख सकते हो घर में, अगर आपके घर वाले उससे अटैचमेंट हो जाएगा तो वो आपको 99% चांस से अलाउ कर देंगे कि आप घर में डॉग ला सकते हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप अपने घर वालों के साथ बात कर सकते हो कि हम बड़े डॉग की जगह छोटी डॉग ब्रीड की तरफ चले जाते हैं, जो कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मांगती, घर में आराम से रहती है और जिसे कि हम इजीली रख भी सकते हैं, जिसके साथ हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि हम एक्सरसाइज पर नहीं जाते तो वो डॉग ब्रीड भी घर में आराम से रह लेगी, इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होगी। हम उसे बाथरूम की आदत डाल देंगे, बाथरूम में जाके वो शुशु पॉटी कर सकते हैं, जिधर से हम ईजिली साफ़ कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट में रहते हो या फिर आप टेरिस की आदत डाल सकते हो, कहीं की भी आदत डाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। लेकिन आपको उसका प्रॉपर ध्यान लेने का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप अपने घर वालों को बोल सकते हो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मैं लूँगा, या फिर मैं लूँगी, जो भी आप करना चाहते हो अपने डॉग के साथ, कि हाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, उसके अलावा आप लोगों के ऊपर वो बर्डन क्रिएट नहीं होगा। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो घर वालों के साथ। बाकी आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका ध्यान भी प्रॉपर रखना पड़ेगा। कई बंदे होते हैं कि वो खाना तो डाल दिया, मतलब उसे प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे अपने डॉग को बेसिकली, या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे किसी रीज़न के चलते। तो इस केस में मैं आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप अभी ड्रॉप कर दो डॉग लेने का प्लान, जब आपके पास थोड़ा टाइम हो कि आपके पास, चलो ऑफिस के आने के बाद आप अपने डॉग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप थक नहीं जाते बिल्कुल तो आप अपने डॉग के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करना। अगर नहीं कर सकते तो आप अभी डॉग मत ही लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप टाइम स्पेंड करते हो तो लो, तो सबसे बढ़िया रहता है। बाकी अब हम बात करते हैं जिनके घर वालों को डर लगता है। घर वालों को डर लगता है, आप कोशिश ये करो, आप छोटी डॉग ब्रीड या फिर पपी जो आपके दोस्त के पास होगा, कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, आपकी गली में भी होंगे, जिनके पास अच्छी क्वालिटी का पपी हो, क्यूट पपी दिखने में हो, तो आप वो पपी ले जाके घर वालों को दिखा सकते हो। उनके मतलब डर को धीरे धीरे आपको ख़त्म करना पड़ेगा, फिर उन्हें भी डॉग पसंद आ जाएंगे एक टाइम के बाद, तो आप इजीली घर में डॉग रख सकते हो उस केस में भी। लेकिन आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपेरेटिवली दूसरे केस के मुकाबले, जिधर आपके घर वालों को पसंद है लेकिन वो खाली टाइम के चलते ही नहीं रख सकते। बाकी मैं आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग डॉग लेके आते हो तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको अपने डॉग के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है। आप किसी के भरोसे उसे छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी तो आपके साथ अटैच हो जाता है। कई बंदे सोचते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो हम किसी के पास छोड़ जाएंगे। आपके डॉग को एक हैबिट हो जाती है कि उसे पर्टिकुलर स्पॉट पर बैठ के खाना खाना है या फिर उसे बाहर जाना है, तो आपको उसका रूटीन का पता होता है, किसी और को उसके रूटीन का नहीं पता होगा। तो आप अपने डॉग के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखना, अपने घर वालों को बता देना कि ये चीज़ें होती हैं। हाँ, हमारे डॉग से हमारे बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, घर में हैप्पीनेस आती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको लाखों चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या क्या प्रॉन्स होते हैं डॉग को रखने के, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि डॉग्स में भी आपके साथ जितने रहते हैं तो उनके चलते आपकी भी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। आप एक्टिविटी करोगे तो आपका एक्सरसाइज का माहौल हो जाएगा। अगर आप छोटे डॉग भी लेते हो तो धीरे धीरे वॉक पे भी जा सकते हो, घर में एक कंपेनियन रहेगा, घर में एक हैप्पीनेस का माहौल रहेगा। आप ऐसी चीज़ें बता सकते हो घर वालों को, अगर वो बोलते हैं कि पूरे घर में गंदगी हो जाती है, कि छोटा पप्पी होगा वो कहीं पोटी शुसू करेगा, तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही करता है, उसके बाद वो समझदार हो जाएगा बड़ा होने के बाद, तो वो जिधर हम उसकी आदत डालेंगे वहीं पे ही करेगा। और उसके लिए भी आप अगर चाहो तो मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे सकता हूँ कि किस तरीके से आप शुशु पोटी की ट्रेनिंग दे सकते हो अपने डॉग को, जिसके चलते आपके घर में गंदगी ना हो। तो आप कमेंट कर देना अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हो तो। बाकी
अगर हम बात करते हैं तो आप इस तरीके से घर वालों को कन्वेंस कर सकते हो कि भाई हम उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दे देंगे या फिर हमारे साथ वो रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं करी क्रिएट करेगा। कई लोगों को लगता है कि डॉग्स ज़्यादा बात करते हैं, तो आप इस तरीके की भी बता सकते हो कि कई डॉग ब्रीड होती है जो बाहर काफ़ी कम करती हैं, घर में एज अ कंपेनियन के तौर पर रहती है। इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होती है, घर में हंसी खुशी का माहौल बना के रखेगी, छोटे बच्चे की तरह होगी, तो आप छोटी डॉग ब्रीड की तरफ जा सकते हो। उस केस में आपको रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड इस तरीके की बड़ी डॉग ब्रीड की तरफ नहीं जाने की ज़रूरत है। कई वालों के घर वाले ये चीज़ कहते हैं कि भाई हमारे घर में तो हमें गार्ड डॉग की ज़रूरत नहीं है, कि हमारे घर में प्रॉपर सिक्योरिटी है, हमें गार्ड की ज़रूरत नहीं है गार्ड डॉग रखने की, तो हम डॉग रख के क्या करेंगे। तो आप उन्हें बोल सकते हो कि कई ऐसी डॉग ब्रीड होती है जैसे कि छोटी डॉग ब्रीड होती है, उस केस में हमें बड़े डॉग को रखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो वॉच डॉग का काम कर लेगा या फिर घर में एज अ फैमिली मेम्बर के तौर पर भी रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर वालों को प्रॉपर उसके बारे में एजुकेट कर सकते हो कि ये डॉग का ये बेनिफिट होते हैं, इसमें आपके बाल भी काफ़ी कम झड़ेंगे। कई के घर वाले ये चीज़ कहते हैं कि पूरे घर में बाल बाल हो जाते हैं, तो आप ये चीज़ बताओ अपने घर वालों को कि उसके जो बाल होंगे वो खाली ग्रूमिंग सीज़न के अंदर होते हैं, मतलब एक शेडिंग सीज़न होता है उसके चलते ही होते हैं, और अगर आप उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग करोगे तो घर में आपको बाल देखने को काफ़ी कम मिलेंगे। और अगर आप छोटे बाल वाले डॉग की तरफ जाओगे तो उसके तो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरीके से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि हम छोटी बाल वाले डॉग ब्रीड की तरफ चले जाएंगे, इनके हेल्थ इशू भी काफ़ी कम होते हैं, इनका लाइफ स्पैन भी अच्छा होता है। अपने घर वालों को पूरी चीज़ें बताओ जिसके चलते वो आप लोगों के साथ एग्री हो जाए। तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, और आप लोग कमेंट्स में बताना बाद में कि ये आपके लिए वर्क करा नहीं करा, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप एग्री हो तो आप अपने घर वालों को भी एग्री करने की पूरी कोशिश करो, अपने घर वालों को उसके बेनिफिट्स बताओ। हाँ, साथ में नुकसान भी ज़रूर बता देना थोड़े बहुत, कहीं ये ना हो आप बेनिफिट्स से बताओ और बाद में जब डॉग आए तो आपके घर वाले उससे परेशान हो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा होगा वो घर में फर्नीचर भी काट सकता है, चप्पल वप्पल काटता है, ये चीज़ कॉमन होती है। तो आप उस टाइम के लिए थोड़ी लो क्वालिटी की स्लीपर इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़े टाइम पीरियड के लिए घर में अगर आप पहनते हो चप्पलें तो घर में एक लो क्वालिटी की स्लीपर इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी एक शू रैक के अंदर अपने जितने भी एक्सपेंसिव स्लीपर या शूज़ हैं उन्हें ऊपर रख सकते हो। थोड़े टाइम बाद आपका डॉग जब 4 महीने 5 महीने का हो जाएगा तब वो काटना पीटना कम कर देगा, तब आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो कोई भी स्लीपर्स कोई भी चीज़ें, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में आप लोग अपने घर वालों को ये चीज़ बता सकते हो कि हाँ, अगर हम फीमेल लेना चाहते हो तो फीमेल में काफ़ी कम प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। मेल पूरे टाइम हाइपर रहता है जबकि फीमेल सीज़न में 2 बारी हीट पे आती है, तो ये चीज़ें आप बता सकते हो अपने घर वालों को। और अगर आपके घर वाले राज़ी होते हैं तो आप लोग अपने घर में एक नया मेंबर ला सकते हो बेझिझक, बाकी कोशिश आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। थोड़े बहुत उन्हें फ़ायदे बताओ, साथ में थोड़े बहुत ये भी बता दो कि भाई घर में रहेगा तो हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बचपन में तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी पप्पी उठ रहा है हमें उसे 2-3 घंटे के अंदर फीड करना पड़ता है, जिसके चलते वो थोड़ा बहुत पोटी भी करेगा, सुसू भी करेगा, उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो आपको रात भर जागना भी पड़ सकता है स्टार्टिंग में जब पप्पी आएगा, तो घर में थोड़े बहुत शोर का माहौल भी हो सकता है। लेकिन जब 1 हफ्ते के अंदर आपका डॉग पूरा कंफर्टेबल होने लग जाता है तो आपको धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, और आपका डॉग इतना समझदार हो जाएगा कि वो बेड के ऊपर पोटी सुसू ना करे, नीचे उतर के करे, तो वो चीज़ आपको सिखानी पड़ेगी अपने डॉग को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसके चलते आपके घर वाले आपको आज भी अलाउ कर दें, और इन फ्यूचर अगर आप और कोई डॉग भी लेके आओ साथ में भी तो भी वो आपको अलाउ कर दें। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि इनिशिएटिव आपको ही करना पड़ेगा, तभी आपके घर वाले एग्री होंगे। तो कमेंट्स में बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, और यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी भी या नहीं थी ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।